उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर लेकर आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आदेश जारी हो गए हैं और आपको बता दें कि 2000 से ज्यादा पदों पर विज्ञप्ति जारी होने जा रही है। और इसमें हम बात करेंगे कि कितना जो फायदा है वो यहाँ पर बीएड वालों और एनएएस वालों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बता दें कि इस जो भर्ती है इसमें डेड जो डीएड अभ्यर्थी हैं वो उनकी संख्या 550 है, जबकि यहाँ पर आज ये भी स्पष्ट हो गया कि जो शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने यहाँ पे टीटी वगैरह क्वालिफाई किया है वो 1500 हैं, तो 1500 पोस्ट जो हैं वो शिक्षा मित्र के निकल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 550 डीएड वाले हैं, उसके बाद बाहरी राज्यों के 500 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो इन सभी पर बात करेंगे, जब इनसे अगर पोस्ट यहाँ पर बचेंगे तभी बीएड वालों को मौका मिलेगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं टोटल पद यहाँ पे 2000 हैं जबकि शिक्षा मित्रों की संख्या 1500 है, डाइट से जो डीएड अभ्यर्थी उनकी संख्या 550 है, और जबकि बाहरी राज्यों से ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड के निवासी हैं लेकिन बाहरी राज्यों में पढ़ने चले गए और वहीं से उन्होंने बीटीसी के नाम से डीएड किया या फिर डीएड किया, तो उनकी संख्या यहाँ पर 500 प्लस है। तो ऐसे में जब ये भर्ती निकलती है तो क्या एक भी बीएड अभ्यर्थी को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पर आया हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज के न्यूज़पेपर में अगर आप देखें तो डेट आज की देख सकते हैं 11 नवंबर का न्यूज़पेपर हिंदुस्तान है, चाहे अमर उजाला है आपके पास तो आप अमर उजाला में देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके आदेश यहाँ पर जारी हो गए हैं। तो इसमें हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि इसमें बताया गया है कि जो आदेश जारी हो गए हैं 20 तारीख तक जो फॉर्म है उसको भरने की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी कर ली जाएगी। और इसमें अगर हम बात करें तो इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही है कि इसमें हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि आखिर बीएड वालों को अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलेगा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बता दें कि जो डायर से जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं, क्योंकि इसमें इस भर्ती में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ये पहले ही स्पष्ट कहा गया है कि जब अगर डीएलएड अभ्यर्थी से यहाँ पर वैकेंसी बचती है उसके बाद ही बीएड वालों को मौका मिलेगा। तो ऐसे में यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसमें जो सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जो है वो हैं शिक्षा मित्र, जो कि जिन्होंने 2 साल का यहाँ पर कोर्स किया हुआ है, और 1500 से ज़्यादा शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो यहाँ पर इस फॉर्म को भरेंगे। तो 1500 वैकेंसी तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए चली जाती है। उसके बाद क्योंकि 2000 पदों पर भर्ती निकल रही है तो बचेंगे यहाँ पर 500 पद और बचते हैं, जिसमें से 550 तो डायट के डीएड अभ्यर्थी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 550 में से अब उनकी वैकेंसी जाएगी। उसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसे भी अभ्यर्थी 500 से ज़्यादा हैं जिनका हमने यहाँ पे पता किया है, और जो कि जिन्होंने बीटीसी किया है और वो उत्तराखंड के ही है लेकिन वो अलग राज्यों में चले गए पढ़ने के लिए, और उन्होंने वहीं से बीटीसी के नाम से डीएलएड और डीएलएड बीटीसी वहाँ से किया, तो ऐसे में उनकी संख्या 500 है। तो आप समझ सकते हैं कि कुल अभ्यर्थियों की अगर हम संख्या यहाँ पे जोड़कर देखें तो डीएलएड वाले अगर डाइट की बात करें, बाहरी राज्यों की बात करें और शिक्षा मित्र को देखें तो इनकी संख्या जो है वो 2500 से ज़्यादा जाती है। तो अब यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि जब 2500 से ज़्यादा इन्हीं की संख्या है तो क्या बीएड वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो ये देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पर ये भी दिया गया था इसके बारे में कि शिक्षक भर्ती के आदेश माने डीएलएड प्रशिक्षित। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें यह बताया गया है कि डीएलएड टीटी पास शिक्षा मित्र होंगे पात्र। तो यहाँ पर पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि जो शिक्षा मित्र होंगे वो यहाँ पर पात्र होंगे। तो इग्नू से 2 साल का डीएलएड डिप्लोमा और टीटी परीक्षा पास कर चुके शिक्षा मित्र भी भर्ती के लिए पात्र होंगे। उन्हें राज्य सरकार अतिरिक्त अंक वेटेज के रूप में देगी। उत्तराखंड वर्तमान में ऐसे शिक्षकों की संख्या 1500 है। तो आप लगा लीजिए, एक तो यहां पर जो शिक्षा मित्र है उनकी संख्या 1500 है, ऊपर से वेटेज भी मिलेगा, और वेटेज आपको बता दें कि 12 अंकों तक का यहां पर वेटेज दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी शिक्षा मित्र 1500 हैं तो ये 1500 पोस्ट तो आपके शिक्षा मित्र के चले जाते हैं, उसके बाद बचती हैं 500 केवल पोस्टें। 500 पोस्टों में से आपको बता दें कि डाइट के जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 550 है, तो कुछ उनमें ये पोस्टें चल जाएंगी। उसके बाद अगर बचेगा तो उसके बाद कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो बाहर राज्यों से जिन्होंने बीटीसी किया है और उत्तराखंड के हैं, तो कुछ पोस्ट वहाँ चली जाएंगी। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर मौका मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको बता दें कि हम यहाँ पर डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं बीएड अभ्यर्थियों को, केवल हम यहाँ पर हकीकत बता रहे हैं जो यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो लगातार यहाँ पर संघर्ष जिनका जारी था और जो यहाँ पर जिनकी एज भी यहाँ पे निकल रही थी और जो लगातार काफ़ी समय लंबे समय से यहाँ पर भर्ती की मांग कर रहे थे, और उनकी मांग यही थी कि उनको ज्येष्ठता के आधार पर यहाँ पर भर्ती की जाए। और हालांकि 2019 में संशोधन भी किया गया, उसमें बताया भी गया कि जो मेरिट बनेगी वो यहाँ पर इस प्रकार से बनाई जाएगी कि इसमें जो अभ्यर्थी जो ज्येष्ठता वाले हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन क्या
वास्तव में जो बीएड अभ्यर्थी है उनको किसी को भी मौका मिल पाएगा, लेकिन ये भर्ती देखकर जैसे कि यहाँ पर पद कम है, तो ऐसा देखकर ये लगता है कि इसमें बीएड अभ्यर्थी जो है उनको मौका मुश्किल ही यहाँ पर मिलने वाला है। अगर वैकेंसियों की संख्या ज़्यादा आती तब यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता था, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर आज इस न्यूज़पेपर के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो जो शिक्षा मित्र है 1500 संख्या उनकी है, उनको वेटेज भी दिया जाएगा तो 1500 पोस्ट तो ये निकल जाते हैं, तो ऐसे में बीएड अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर ये कहना मुश्किल होगा कि कोई भी जो बीएड अभ्यर्थी है उसको यहाँ पर इस भर्ती में मौका मिल पाए।